नमस्ते। कल 24 अक्टूबर 2024 को दिवाली के बस कुछ ही दिन पहले बेहद शुभ योग बन रहा है। कल गुरुवार का दिन है और साथ ही पुष्य नक्षत्र है। इसके चलते गुरु पुष्य योग का निर्माण हो रहा है और दिवाली के कुछ ही दिन पहले ऐसा योग बनना बहुत ज्यादा शुभ होता है। दिवाली के लिए अगर आप किसी भी तरीके की शॉपिंग करना चाहते हैं, खास तौर से आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, तो कल बहुत ज्यादा शुभ दिन है। कल के दिन आप खरीदारी कर सकते हैं। कल यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो हल्दी खरीदें। आप चाहें तो हल्दी की गांठ खरीद सकते हैं या फिर हल्दी का पाउडर जो हम किचन में उपयोग करते हैं वो खरीद सकते हैं। और साथ ही आप चाहें तो एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा भी खरीद सकते हैं। कल के दिन आप पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर अपने घर में इस जल का छिड़काव करें। हल्दी की पेस्ट से अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक जरूर बनाएं। अब एक उपाय आपको बता रही हूं जो आपको कल से शुरुआत करते हुए लगातार दिवाली के दिन तक करना है। इसके लिए आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। उस पीपल के पत्ते को आप साफ पानी से धो लीजिए और फिर उसे सुखा लीजिए। फिर आपको उस पत्ते पर लिखना है श्रीम। श्रीम लिखने के लिए आप केवल हल्दी की पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास चंदन है तो आप चंदन और हल्दी मिलाकर पेस्ट बनाकर उससे श्रीम लिख सकते हैं। ये आपको एक ही बार करना है। श्रीम लिखकर आपको पत्ता रेडी कर लेना है। आपको हर रोज पत्ते पर श्रीम लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कल से लेकर दिवाली तक पत्ता वो ही रहेगा और उस पर लिखा हुआ श्रीम भी आपको कल केवल एक ही बार लिखना है। इस पीपल के पत्ते को आप एक पीले या फिर लाल रंग के कपड़े पर रख सकते हैं। अब आपको हर रोज जो करना है वो समझा देती हूँ। आपको इस पत्ते के समक्ष एक घी का दिया प्रज्वलित करना है। उस घी के दिए में आपको दो लौंग डालनी है। फिर आपको चुटकी भर चावल अक्षत लेने हैं और इस तरीके से इन दोनों उंगली और अंगूठे की मदद से आपको उस पर चावल रख देने हैं। अब आपको हल्दी और कुमकुम दोनों को सूखा ही मिलाकर पाउडर बना लेना है और आपको इस अपनी रिंग फिंगर और अपने अंगूठे की मदद से एक चुटकी लेते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए उस पीपल के पत्ते पर चढ़ाते जाना है। मंत्र है ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। मुमकिन हो तो कल से लेकर दिवाली के दिन तक आप हर रोज इसमें 1 रुपए का या 5 रुपए का या 10 रुपए का या 20 रुपए का सिक्का जरूर डालें, यानी एक सिक्का आप हर रोज डालें दिवाली के दिन तक। और फिर आप इसे दिवाली की रात बांधकर एक पोटली बनाकर अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। अगर तिजोरी नहीं है तो आप इसे अपने घर के मंदिर में ही रहने दें। अगर आपके मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की तरफ जगह है तो वहां पर भी आप इस पोटली को टांग सकते हैं। अगर आप परदेश में रहते हैं या फिर आप किसी भी कारण से ये उपाय नहीं कर सकते हैं, तो जो मंत्र मैंने आपको बताया है उसका जाप आप कल से लेकर लगातार दिवाली के दिन तक जरूर करें। क्योंकि फिलहाल गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, वो वृषभ राशि में वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो मंत्र जाप से इस उपाय से आपको लाभ होगा। गुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। कल के दिन पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर किसी भी अन्य वृक्ष के नीचे अर्पित कर सकते हैं। साथ ही मुमकिन हो तो गौ माता को केले जरूर खिलाएं। जो लोग शादी करना चाहते हैं वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को हर रोज कल से लेकर लगातार दिवाली के दिन तक 2 केसर के पेड़े का भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें या फिर केवल विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें या फिर सुन सकते हैं। अगर आप पुखराज पहनते हैं या फिर आप फिरोजा पहनते हैं तो उसे अभिमंत्रित एनर्जाइज जरूर करिएगा। प्रार्थना करती हूँ आपको इन उपायों से लाभ हो और आपका जीवन सदा सुख समृद्धि और धन से भरा रहे। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।